सामने चीड़ वाली एंड से फरमान करनाल और बोल पहली एंड। लो जी सेमीफाइनल टू स्टार्ट होता हुआ रामगढ़ बॉयज वर्सेस और दूसरी टीम यूके 16 जिसमें मोस्टली जॉन सारे लड़के खेलते हुए और दूसरी टीम में फरमान करनाल और पहला ओवर लेके पाठक फ्रॉम सेलाकुई। सामने बल्लेबाजी पे संजय भाई जो एक अपने आप में बहुत शानदार बल्लेबाज है और नॉन स्ट्राइक एंड पर कल के क्वार्टर फाइनल के हीरो पर पहला ओवर लेके पाठक 12 ओवर का मैच सेकंड सेमीफाइनल पहली गेंद हल्के हाथों से खेला वहां पर अरुण जोशी मौजूद और विकेट के पीछे कमलू मौजूद राइजिंग स्टार के खिलाड़ी है पर क्रिकेट से थोड़ा दूर पर इस वक्त ग्राउंड में सेमीफाइनल खेलने आते हुए चिड़ वाली लीग में और दूसरी गेंद पाठक की और फिर से डिफेंस सॉलिड डिफेंस क्योंकि 12 ओवर का ये मैच है लंबा चलेगा और लंबा खेलना चाहते हैं यहाँ पर संजय बॉल पर क्या करेंगे तीसरी गेंद फिर से लेके पाठक और कट करा वहां पर भंडारी जो कि बहुत शानदार फील्डर है बहुत अच्छे ऑलराउंडर है टॉट बॉल तीन गेंदें खाली आती हुई अगली गेंद चौथी गेंद पाठक की लटकाई और ये बहुत अच्छा शॉट यहाँ पे क्रॉस खेला चार रन बटोरे और चार गेंदों पे चार रन आते हुए संजय भाई अपने हाथ खोलते हुए चौके ओवर की आखिरी गेंद पहला ओवर पाठक का और फिर से मारने की कोशिश कमलू के पास जाती हुई गेंद अच्छा ओवर पाठक का केवल एक बॉल अच्छे से कनेक्ट हुई एक ओवर की समाप्ति चार रन होता हुआ स्कोर एक ओवर चार रन शंकु दूसरा ओवर लेके सामने बरगल्ली और खराब गेंद छोटी गेंद और पटकी हुई गेंद और दो रन आते हुए इस गेंद पर दूसरी गेंद शंकु लेके छोटी पटकी गैप में गई है शॉट वहां पर पाठक आते हुए और देखना होगा दो रन लेने की कोशिश और दो रन मिलते हुए यहां पर आसानी से अगली गेंद टप्पा नहीं पड़ रहा है इनका और ये अच्छी गेंद और वहां पर खतरी फ्रॉम डोई वाला मौजूद और केवल एक रन आता हुआ शंकु के सामने संजय इस बार फिर से बड़े की कोशिश करेंगे और ये ओहो कैच ड्रॉप होता हुआ यहां पर भंडारी से दूर रह गए फिर से बरगल्ली सामने और ये मारने की कोशिश अच्छी गेंद आगे की गेंद डॉट बढ़िया गेंद यहां पे दो ओवर 10 रन अगला ओवर लेके राकेश पाड़ी डायरेक्ट बॉल और वहां पर शंकु मौजूद और रन आउट का मौका और फील्डिंग और ये बहुत बड़ा झटका लग सकता था बरगली के रूप में जीवन दान मिलता हुआ यहां पर एक अगली गेंद पहाड़ी सामने कटर बॉल लेफ्ट साइड का शॉट लेफ्ट साइड का शॉट और ये देखना होगा रुकती भी एक गेंद और आते हुए पहाड़ी सामने संजय और ये संजय पे बल्ले से रन छे आते हुए यहाँ पर अगली गेंद राकेश पहाड़ी की भाई और छोटी गेंद और ये मौका और दूर रह गए फील्डर समीर आते हुए वहां पे और एक ही रन मिलेगा केवल तीन और बीस रन अगला ओवर लेके पावर प्ले का आखिरी ओवर लेके पाठक और अच्छी गेंद पैरों पे लगती है यहाँ पर गली की डॉट अगली गेंद पाठक की और फिर से तेज गति की इस बार तेज गति की से पैरों पे लगती हुई डॉट बॉल आती हुई भाई अगली गेंद फिर से कटर अच्छी कटर डॉट बॉल आती हुई भाई आखिरी गेंद पाठक की अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी और फिर से डॉट बॉल पांच गेंदें खाली करते हुए ओवर में और ओवर की समाप्ति अच्छा ओवर पाठक का पावर प्ले समाप्त चार ओवर 21 रन अगला ओवर लेके अक्कू कालसी और सामने पर गली छोटी गेंद और इस बार मारा लेफ्ट साइड में वहां पर फील्डर मौजूद और अच्छी गेंद वहां पे पाठक की केवल एक रन आता हुआ अगली गेंद डायरेक्ट बॉल और पीछे की तरफ जाती हुई और दो रन आते हुए यहां पर आकाश और ये तेज गति की गेंद आउट का मौका और ये मौका बनता हुआ झटका लगता हुआ यहां पर और बरगल्ली की बड़ी विकेट हाथ लगती हुई इस वक्त यहां पे शानू आते हुए बल्लेबाजी पे डिफेंसिव मोड में चलाना चाहते हैं गेंद पीछे की तरफ जाती हुई गेंद दो रन आते हुए अगली गेंद आकाश अभी तक अच्छी गेंदबाजी करते हुए डायरेक्ट बॉल इस बार शानू अपने गेम के विपरीत शॉट को लेग साइड के बाहर जड़ते हुए भाई रन छे ओवर की समाप्ति 5 ओवर 32 अगला ओवर लेके शहदाब आते हुए सामने संजय छोटी गेंद को मार दिया लेग साइड में कर दिया और दो रन मिलते हुए यहाँ पे लेग साइड अगली गेंद शादाब को टप्पा पकड़ना होगा और ये अच्छी गेंद है और उतना अच्छा खेला उसे और पाठक वहां मौजूद केवल एक रन आता हुआ यहां पर अगली गेंद यहां पे छोटी और फिर से खोटी बनाने की कोशिश और ये दो रन आते हुए केवल अगली गेंद यहां पर फिर से छोटी फिर से बनाई खोटी और दो रन और मिलते हुए 6 ओवर 41 रन अगला ओवर लेके भंडारी सामने संजय तैयार रन बढ़ाने होंगे और ये छोटी गेंद लेग साइड में जाती हुई और 4 रन मिलते हुए यहां पर पहली गेंद पर
रन गति बनानी होगी यहाँ से रामगढ़ बॉयज को। और ये फिर से लेग साइड को और दो रन और मिलते हुए भाई अगली गेंद कटार गेंद उठा दी और बाउंड्री के बाहर बहुत दूर पहुंचा दी भंडारी। यहाँ पर महंगे साबित होते हुए संजय बहुत पुराना नाम। अगली गेंद और ये शॉट ओए होए 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 शॉट ऑफ द मैच भाई तगड़ा छे संजय भाई टीम में 7/8 रन होते अगला ओवर के शंकु और अच्छी गेंद डॉट गेंद की ऑफ स्टंप के बाहर डॉट बॉल संपर्क नहीं। अगली गेंद शंकु की और शॉट बॉम ब्लास्टर संजय डागरा इज ऑन फायर भाई तगड़ी शॉट भाई उम्र में। अगली गेंद 38 साल का एक खिलाड़ी और ये ऑफ स्टंप में ऑफ स्टंप पे और ये गेंद और रन आउट का मौका और केवल एक रन आता है संजय एक तरफ पुराना चावल एक तरफ नया बासमती शानू के बना दिया यहाँ पे श्रीमती भाई तगड़ा छे भाई छोटा पैकेज बड़ा धमाका फूटता हुआ जीरो वाली प्रीमियर लीग के सेमीफाइनल टू में। अगली गेंद और ऑफ स्टंप इस बार ऑफ स्टंप पे पहाड़ी का शानदार कैच भाई कैच ऑफ द मैच भाई तगड़ा कैच पहाड़ी का यार। अब आते हुए ट्रंप कार्ड टीम के विपिन देखना होगा और पहली गेंद मारने की अपील यहां पर होती हुई और देखना होगा इंटरेस्टेड नहीं है यहां पे एम्पायर क्योंकि 8/73 अगला ओवर का खास काल जी सामने संजय और बंज ओ संजय ने छत पे लगाई भाई सीधा बल्ला बूढ़ा शेर चीता ही कह देते भाई यहाँ पे संजय डागरा को भाई तगड़ी बल्लेबाजी करता हुआ एक बड़े मुकाबले में कल भी करी थी इन्होंने बहुत अच्छी ना करेंगे संजय। दूसरी गेंद अक्कूगी सामने संजय और संजय स्टार बनते हुए यहाँ पे राउंड 12 वाले उसी तरीके से मारते हुए वो मारा करते थे तगड़ा बल्लेबाज भाई संजय डागरा इज ऑन फायर भाई विपिन सामने फिर से अक्कूगे और ये शॉट और इस बार शंकु क्या छोड़ दिया भाई ये खिलाड़ी बहुत बड़ा था भाई छूटा। अगली गेंद डायरेक्ट बॉल खड़ी हो गई है यहाँ पे शादाब से दूर भाई और एक रन आता अक्कू का होता भाई ओवर महंगा साबित। आखिरी गेंद और इस बार गेंद संजय 56 रन बनाकर खेलते हुए 50 लगा चुके हैं इस गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा चुके हैं पर दो ही रन मिलेंगे भाई पीछे एक रन। अगली गेंद क्या ये गेंद भी आई खाली और इस बार वहां पे बढ़िया गेंदबाज और खराब फील्डिंग और रन आउट होते हुए यहाँ पर शंकु का चतुर और विपिन आउट होकर पवेलियन जाते हुए 10/99 रन और अब बल्लेबाजी पे आता हुआ ब्यूटी ऑफ करनाल फरमान खान और पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से मारने की कोशिश शंकु अगला ओवर लेके एक रन आता हुआ संजय डागरा भी स्ट्राइक पे जिन्होंने पूरे मैच में जान फूकी थी यहाँ पे रामगढ़ बॉयज के लिए पहली गेंद सामने संजय फिर से और ये अच्छा शॉट इस बार फंस गए खतरी के हाथ में संजय डागरा आउट होकर जाते हुए पवेलियन अब यहाँ से रन गति बनाने देखना कौन आएगा। अब बल्लेबाजी करने आते सैमुअल्स बड़े बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं और इस वक्त लगाने की कोशिश पर कनेक्ट नहीं होती भी सही से राकेश पाड़ी आते हुए और केवल एक ही रन मिलेगा फरमान करनाल फिर से फरमान स्ट्राइक पे विकेट पे डायरेक्ट बॉल को मार दिया ऊंचा लंबा दूर रन छे भाई यहाँ फरमान करनाल भी खोलते हुए अपने हाथ आखिरी गेंद जा रही है और भी सैमुअल डायरेक्ट तोड़ दिया इस गेंद को फोड़ दिया और मंदिर की दिशा में पहुंचा दिया भाई अच्छा ओवर समाप्त करते हुए रामगढ़ बॉयज के दोनों ही खिलाड़ी खिताब आखिरी चार खिताब अगले गेंद लेके फरमान करनाल को और कर बढ़ता हुआ जो काम खुद करते हैं वो भी खेलते और एक रन आता हुआ केवल तीन बॉले बाकी सैमुअल्स की और ये पिछली तरफ की और दो रन नहीं आ पाएंगे केवल एक रन अच्छी फील्डिंग में डाली दो गेंदे फरमान को मौका मिला था मारने का पर इस बार हुई नहीं कनेक्ट और दो रन लेने की कोशिश और केवल एक रन आता शादाब के सामने और तेज गति की और डॉट बॉल आखिरी गेंद पर आती हुई फर्स्ट इनिंग होती हुई समाप्त सेकंड इनिंग होती हुई स्टार्ट 120 रनों का टारगेट पाठक बल्लेबाजी पे कुल्ली पहला ओवर लेके डायरेक्ट बॉल लेग साइड की शॉट पहली गेंद पे रन छे
अच्छी शुरुआत यहाँ पर पाठक को मिलती हुई भाई पहली गेंद पर। अगली गेंद और अगली हाथों से खेला यहाँ पे पाठक ने डॉट बॉल आती। अगली गेंद कुल्ली पाठक सामने का शॉट फंस गए चानू के जाल में फंस गए सामने गेंद लटकाई और पाठक दुख मनाते हुए शॉट डिसमिसल होते हुए यहाँ पे जो कि मैच में जान डाल सकते थे भाई क्या कर पाते। अब बल्लेबाजी करने आते हुए आलम फ्रॉम रुड़की सामने कुल्ली अगली गेंद लेकर और पहली गेंद मारने की सिंगल जरूर आता हुआ पर खड़ा बड़ा नाम। अगली गेंद भंडारी सामने करेंगे और ये हल्का हाथों से खेला और ये रन आउट का मौका भंडारी यहाँ पर आउट हो सकते थे पर और ये चेक होती रही और ये भंडारी को आउट करार देते हुए क्या और का ये देखने वाली बात। एक दबाव में आपको अब आकाश काल से बल्लेबाजी पे आते हुए आखिरी गेंद और ये हल्के हाथों से खेलने की कोशिश डॉट बॉल ओवर की समाप्ति। एक ओवर अगली गेंद छेड़ेंगे अरसलान डायरेक्ट बॉल लेग साइड की शॉट यहाँ पर पूरा फायदा उठाते हुए यहाँ पर आलम और छक्का आता हुआ पिछले ओवर की पहले ओवर की पहली गेंद में आया था छक्का दूसरे ओवर की पहली गेंद में छक्का आता हुआ। अगली गेंद फिर से अरसलान लेके सामने आलम तैयार और कट करने की कोशिश डॉट बॉल अगली गेंद फिर से अरसलान की आलम एक और हिट या विकेट आने वाली है और ये शॉट मिड विकेट पे जाने वाली है देखना होगा अंडा और उनके हाथ में और केवल दो रन आते हैं इस गेंद पर। अगली गेंद अरसलान सामना करेंगे अरसलान और मारा फिर से लेग साइड वहां सैमुअल्स मौजूद उनके ऊपर से देखना होगा कितने रन होंगे और करण ने अच्छी फील्डिंग और दो रन आते दो ओवर ब्लू का अगला ओवर लेके कुल्ली सामने और ये अच्छा यॉर्कर का रन आउट का मौका सीधा मार देते हैं डॉट बॉल। अगली गेंद फिर से बड़े हिटों की तलाश में आलम और डायरेक्ट बॉल और वहां पे गैप में वहां शानू मौजूद और केवल एक रन आता हुआ तो कुल्ली छोड़ रहे हैं इस वक्त गेंद को जानते हैं कि और फिर से मारने की कोशिश आकाश की और केवल एक रन आता हुआ यहां पर फरमान। आखिरी गेंद और ये ऊंची जाते हुए वहां पे फील्डर ये फील्डर रहते हुए दूर और रन चार खराब प्रदर्शन फील्डिंग का भाई यहाँ पर फील्डर तीन ओवर 26 रन अगला ओवर लेके रजत सामने आकाश और खड़ी तो पे लगी खड़ी फील्डर कुल्ली के हाथ में पड़ी भाई और आकाश भी चल दिए भाई यहाँ पर समझ नहीं आई उन्हें गेंद और बल्लेबाजी करने आते वरुण जोशी और हल्के हाथों से ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत यहाँ पे यूके 16 को शुरुआत में और सिंगल आता हुआ अच्छा रजत अच्छी गेंदबाजी करते हुए और खड़ी और यहाँ पर संजय भाई के हाथ में पड़ी यहाँ पर रजत एक और सफलता दिलाते हुए अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब आते हुए बल्लेबाजी पर राकेश पहाड़ी और कट कर दिया ऑफ स्टंप पे और ये खेल दिया शॉट जाती हुई बाउंड्री की तरफ बॉल और अच्छी फील्ड कुल्ली की और केवल दो रन आते हुए। अगली गेंद और मार दिया इस गेंद को उठा के तरंग वहां मौजूद और उनके ऊपर से ट्रांसफॉर्मर के पास रन थे चार ओवर 35 रन पावर प्ले खत्म बन्नी अगला ओवर लेके सामने अरुण शॉट सामने का वहां पे शानू मौजूद काफी छोटा केवल एक रन आता हुआ। अगली गेंद और ये छोटी लेफ्ट साइड में तरंग वहां मौजूद और हाथ में कैच खराब शॉट बाउंड्री क्लियर नहीं कर पाए यहां पर राकेश पाड़ी काफी बहुत बड़ा विकेट बल्लेबाजी करते हुए छेत्री फ्रॉम डोईवाला और हल्के हाथों से खेला इस गेंद को क्या दो रन मिल सकते हैं पर एक ही रन मिलता है यहां पर। अगली गेंद मन्नी और अच्छी गेंद यॉर्क लेंथ और केवल एक रन आता हुआ। अगली गेंद और ये झटका मन्नी कटर बॉल में फंसाते हुए यहाँ पे खतरिया पवेलियन जाते हुए यहाँ पर आप बल्लेबाजी करने आएंगे समीर और रामगढ़ चढ़ती हुई फरमान करनाल की जरूरत नहीं नजर आती अभी तक इस मुकाबले में काफी जान बाकी समीर अब बल्लेबाजी पे और इस मुकाबले में काफी जान बाकी गैप में जाती हुई दो रन लेने की कोशिश और दो रन आते हुए यहाँ पे क्या तीसरा भी मिल जाएगा और तीसरा भी मिलता है फरमान इजीली लेते हुए इस बॉल को पांच ओवर 41 रन अगला ओवर लेके बर कल्ली एक लेफ्ट आर्म अच्छी गेंद बाज और अच्छी शॉट ऑफ स्टंप और वहां भी पिन मौजूद और केवल एक रन आता हुआ। बर कल्ली सामने आते हुए अरुण और शॉट हेलीकॉप्टर उड़ाया फरमान करनाल बरनाल और कैच ड्रॉप करते हुए भाई फरमान के आगे शानू आते हुए और कैच ड्रॉप भाई पॉइंट लग पड़ी है। अगली गेंद फिर से और छोटा गेंद थी मारने की कोशिश थी
दो रन लेने के लिए जाएंगे और मना किया यहाँ पे। छह ओवर 48 रन अगला ओवर लेके ब्यूटी ऑफ करनाल फरमान खान डायरेक्ट बॉल खड़ी कराई और ये रजत से दूर पहुंचाई भाई केवल एक रन आएगा। और मैं आपको बता दूं कि अभी तेज आती नहीं है गेंद आखिरी ओवर इनका होगा देखने लायक क्योंकि बॉल तब जाके रमा होती है। इस समय बड़े हिट लगाए जा सकते हैं फरमान करनाल की गेंदबाजी पर अपने एक्सपीरियंस से। अब हर चीज में संपन्न अगली गेंद करनाल की धरती का और ये सुर्रा पीछे की तरफ जाती हुई और दो रन मिलते और पिछली गेंद थी वाइड बॉल साथ में आई थी दुखी अगली गेंद और ये पैर पे लगती हुई और केवल देखना होगा गेंद पैर तो टकराती हुई फील्ड वहां के वाले अगली गेंद समीर के सामने फरमान और ऑफ कटर अच्छी गेंद डॉट बॉल आती हुई यहां पर भाई आ चुके हैं मैदान करनाल एक्सप्रेस और फिर से अगली गेंद डॉट बॉल आती हुई ऑलराइट फरमान नेक्स्ट डिलीवरी आखिरी समीर और अच्छा गेंद अच्छा तेज गति का गेंद और ये समाप्ति यहाँ पर 7 ओवर 55 रन होते हुए 30 गेंदों पे 63 रन चाहते हुए बरगली और ये तगड़ी गेंद बोल्ड होने से बचे सिंगल चुराने की कोशिश और सिंगल आता हुआ यहाँ पे बरगली ने बोल्ड होते हुए रन आउट हो सकते थे। संजय भाई थोड़े नाखुश इस वक्त सामना करेंगे अगली गेंद भरगली अभी तक अच्छी गेंदबाजी करते हुए और ये टॉस डिप हो रही थी गेंद केवल एक रन आता वापस गेंद भरगली अच्छी गेंदबाजी करते हुए और अरुण सामने का शॉट 6 रन में जड़ते हुए भाई तगड़ा छे भाई अरुण के बल्ले से एक और बाउंड्री निकलती हुई यहाँ पर अगली गेंद अरुण भरगली अरे हिली 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 बॉल वहां पे सानू आग बहुत तगड़े फील्डर हैं और कलेक्ट करते हुए इसे और एक रन आता हुआ 4 ओवर 56 रनों की जरूरत फरमान फिर से अरुण कटर गेंद खड़ी करा दी और यहां पे दू और अरसलान की अच्छी फील्डिंग केवल एक रन आता हुआ यहां पे अगली गेंद फरमान समीर आमने डायरेक्ट बॉल सामने का शॉट वहां पर फील्डर और केवल एक रन आता हुआ। ये मुकाबला जीता जा सकता है अगर फरमान करनाल के ओवर में बड़े हिट लगाए जाए। अरुण जोशी और सामने मारने की कोशिश और केवल एक रन आता हुआ कुछ ना कुछ अब बड़ा होने वाला है ना कुछ और ये अच्छी डिपर गेंद डॉट बॉल अगली गेंद फरमान समीर और मारने की कोशिश और वहां फील्डर सैमुअल्स और पकड़ते हुए केवल एक रन आता हुआ। आखिरी गेंद अरुण हेलीकॉप्टर लगाने जाएंगे और ये लगाया शॉट क्या क्लियर करेगा जरूर क्लियर करेगा भाई अरुण जोशी कटर पकड़ते हुए हवा का फायदा उठा के लेफ्ट साइड में दूर चढ़ते हुए भाई ओवर 3 ओवर 46 रनों की जरूरत बरगली अपना कोटे का अगला ओवर लेके और समीर को भी लगाने होंगे यहाँ पे बड़े हिट। अगली गेंद फिर से बरगली और डिपर और अच्छी गेंद डॉट बॉल समीर बहुत डॉट बॉल खेल रहे हैं यहाँ से बल्ले से नहीं लग रही है अभी तक समीर की और समीर की शॉट समीर के बल्ले से 6 भाई 3 गेंदे खाली जरूर की थी 15 पे 46 चाहिए थे और अब मुकाबले में थोड़ी और जान 14 गेंदे 40 आता हुआ ये मैच 13 गेंदे 39 रन दे देना धन और तगड़ा यॉर्कर बल्लेबाजी यहाँ पे समीर की केवल एक छक्का मारा पूरी 6 गेंदे खेल कर और मुकाबले से पीछे कर दिया अपनी टीम को। अब चाहिए 12 गेंदे 37 रनों की जरूरत क्योंकि लास्ट गेंद पाई थी पीछे 12 गेंदे 37 रन अरुण बल्लेबाजी पे फरमान करनाल तेज गति का यॉर्कर इस ओवर में तेज तेज बॉलें देखने को मिलेगी आपकी क्योंकि अब हो चुकी है बॉल रमा ब्यूटी ऑफ करनाल चीड़ो वाली एंड से आते हुए डायरेक्ट बॉल देखिए बल्ला नहीं आया इनका और केवल एक रन आता हुआ यहां पर। अगली गेंद फरमान निकला चीड़ो वाली एंड से सामने सबीर ओ बोल्ड होने से बचे यहां पे भागना चाहते थे और रन आउट होते हुए यहां पर रन आउट होते हुए अब कमलू आएंगे जिनके ऊपर ये मैच डिपेंड था कि वो यहाँ से चेस निकाल देंगे पर उनकी बल्लेबाजी आती थी बहुत लेट यूके 16 के कमलू आते थे अच्छे बल्लेबाज सामने ब्यूटी ऑफ करनाल और ये बोल्ड होने से और बोल्ड टंडी 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 गोल कर दी यहाँ पे फरमान करनाल इस वक्त यॉर्कर्स में डील करते हुए और 2 सफलताएं बैक टू बैक दिलाते हुए हैट्रिक बॉल शंकु सामने चीड़ो वाली एंड से फरमान करनाल और बोल पहली हैट्रिक टांडी पुल करते हुए यहाँ पे फरमान करनाल को जो देखने पब्लिक आई थी उन्हें अपने जलवे बिखेरते हुए
चीड़ो वाली प्रीमियर लीग ग्यारह इस ग्राउंड में किरण सात के लिए 35 रन शादाब आखिरी विकेट ग्राउंड में टीम के कप्तान टीम हैट्रिक हो चुकी है फरमान करनाल चीड़ो वाली एंड से हैट्रिक पे और बोल्ड चार विकेट हैट्रिक लेता हुआ फरमान करनाल अपना जलवा बिखेरता हुआ और आखिरी वक्त पे मुकाबला जिताता हुआ यहाँ पर तगड़ी गेंदबाजी ब्यूटी ऑफ करनाल चीड़े वाली प्रीमियर लीग में फाइनल में पहुंचते हुए कल होगा बहुत बड़ा मुकाबला एक तरफ होगा अंकित धामा एक तरफ होगा फरमान करनाल एक तरफ होगी शैलेश मोहत एक तरफ होगी अमित बरगल्ली तो देखना ना भूलिएगा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भाई।